अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर के ऊपर आपने मेरे पिछले एपिसोड में देखा था, मैं कुमराड से निकला और सारा रास्ता मैंने आपको दिखाया चित्राल का, और बाइक पे पूरा ट्रैवल करते हुए मैं पहुंच गया चित्राल में और वहां पे आके मैंने स्टे किया होटल में। तो आज के एपिसोड में मैं थोड़े से वॉक करूँगा बाज़ार के अंदर, बाज़ार दिखाऊँगा आपको और यहाँ की जो थोड़ी सी चित्राल की हिस्ट्री है वो आपको दिखाऊँगा कि चित्राल की बैकग्राउंड क्या है और यहाँ की थोड़े से मकाम। और फिर शाम को, क्योंकि होने वाली है तो शाम को जाहिद भाई हैं वो मेरे पास आएंगे, सूबेदार साहब के बेटे, और वो मुझे किसी अच्छी जगह के ऊपर लेके जाएंगे जहाँ पे हम चाय शाय पियेंगे और थोड़ा सा अच्छा नज़ारा इन्जॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी चित्राल की हिस्ट्री से। सबसे पहले चित्राल आए हैं तो चित्राल की हिस्ट्री का हमें पता होना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी लोकेशन क्या है और इसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें होती रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसकी लोकेशन देखें चित्राल डिस्ट्रिक्ट की, तो पाकिस्तान का सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट अगर मैं कहूँ तो केपीके के अंदर सबसे ऊपर जाके टॉप के ऊपर अगर आप मैप के अंदर देखें तो इस एरिया को कहते हैं चित्राल डिस्ट्रिक्ट। और अगर आप बिल्कुल इसके साथ देखें अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चित्राल के किसी एक पॉइंट के ऊपर आप जाकर देखें तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको वाखन कॉरिडोर कहते हैं, जहाँ पर पतली सी एक स्ट्रिप है सिर्फ अफगानिस्तान की और सिर्फ कोई 10 किलोमीटर शायद रास्ता है, और यहाँ से खड़े होकर आपको सामने ताजिकिस्तान के पहाड़ नज़र आते हैं, यानी कि इतना करीब है यहाँ से ताजिकिस्तान। और अगर ये छोटा सा पाथ अगर दरमियान में मिल जाता है और कोई कॉरिडोर मिल जाता है, बन जाता है, तो पाकिस्तान का ताजिकिस्तान से जो डायरेक्ट बाय रोड सफ़र है वो बड़ा ईजी हो सकता है। चित्राल एक शुरू से ही एक राजा की रियासत थी, एक शुरू से इंडिपेंडेंट रियासत रही है, लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो तकरीबन 7वीं सदी के अंदर ही यहाँ पर अरब्स आए और इस्लाम यहाँ पर आ गया था 7वीं सदी के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा फैलता गया इस्लाम। और जब मंगोल्स आए यहाँ पर, मंगोल्स ने यहाँ पे कब्ज़ा किया और उसके बाद फिर जो टर्क्स थे उन्होंने मंगोल्स को यहाँ पे कुछ हराया भी, डिफीट भी किया, और काफ़ी मंगोल्स जो थे वो मुसलमान भी हो गए। तो ये सारा का सारा अगर आप मैप में एरिया देखें तो इधर से चाइना का एरिया, इधर से ताजिकिस्तान का एरिया और जो ऊपर कजाकिस्तान है, ये सारा वो इलाका था जहाँ पर टर्क्स रहते थे और जो यहाँ पर आबादी आज भी रहती है। इनकी अगर आप जीन्स देखेंगे तो पीछे से उन्हीं टर्क्स और मंगोल्स के साथ कहीं पे जाके मिलते हैं। तो ये वो रीजन है जहाँ पे जिसका नाम जो था उस ज़माने में चित्राल कहा जाता था। इसका नाम चित्राल फिर आहिस्ता आहिस्ता चित्राल जो था वो नाम कन्वर्ट होता हुआ चित्राल के अंदर बदल गया। अगर आप इसकी लैंग्वेज को देखेंगे तो उसके बारे में भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसके साइडों के ऊपर देखें तो डिफरेंट रीजन इस इलाके को लगते हैं, एक तरफ से चाइनीज़ लगती है, दूसरी तरफ से मंगोल्स यहाँ पे आ रहे थे, तीसरी तरफ से अफगानिस्तान की पर्शियन लैंग्वेज और फिर ताजिकिस्तान भी, तो इसलिए इस इलाके के अंदर सारी ज़बानों का मिक्सचर बन के एक चित्राली लैंग्वेज वजूद में आई, जिस जो कि इतनी मुश्किल लैंग्वेज है कि बाकी जितने भी इलाके हैं यानी पश्तूनस को भी ये वाली लैंग्वेज नहीं आएगी। हालाँकि इसका पश्तून का टच भी आता है पर, लेकिन पश्तून भी जो पठान है वो यहाँ पे जो उनकी पश्तो लैंग्वेज है वो डायरेक्ट नहीं यहाँ पे बोली जाती। इस लैंग्वेज को चित्राली लैंग्वेज ही कहा जाता है और वो काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज ये काफ़ी लैंग्वेजेस का एक जो है वो कॉम्बिनेशन बन के वजूद के अंदर आई हुई है। मेरे पीछे जो आप इस टाइम एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं, ये चित्राल की बहुत मशहूर शाही मॉस्क है। थोड़ा अंदर चलते हैं और फिर इस मस्जिद को देखते हैं। मेरे पीछे आपको ये अब जो मस्जिद नज़र आ रही है इसका नाम है शाही मॉस्क, जो कि स्टेट ऑफ चित्राल के रूलर थे या राजा थे जिनका नाम था शुजाउल मुल्क महतर। उन्होंने 1924 के अंदर इस मस्जिद को तामीर करवाया। और जैसे कि अगर आप इसका पूरी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसके अंदर आपको मुग़ल आर्ट, इन जो भी इंडो पाक का मुग़ल आर्ट है वही आपको इसके अंदर चलकता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये आलमोस्ट वही पीरियड था। और ये जो जामिया मॉस्क थी दिल्ली की और शाही मस्जिद लाहौर की, ये उसी से ही थोड़ी इंस्पायर्ड आपको नज़र आती है। अगर आप इसके मीनार देखेंगे और इसके गुंबद देखेंगे, अभी तो आपको ये वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं लेकिन ये एक्चुअल में रेड कलर के थे, बिल्कुल ऐसे जैसे जामा मॉस्क दिल्ली और शाही मॉस्क लाहौर की है। लेकिन अभी टाइम गुजरने के साथ साथ शायद वो डिटोरिएट हो गए थे, इन्होंने उसको रेड के बजाय इसको वाइट कलर का पेंट कर दिया, जो कि आई थिंक इसके साथ ज़्यादती है। जो इसका प्योर
कल्चरल जो इसकी हेरिटेज थी, जो कि इसका ट्रेडिशनल था, जो इसकी एंशियंट जो इसकी पहचान थी, वो इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसकी जो रेनोवेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा लगता है शायद, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया और जो उसकी एक्चुअल खूबसूरती थी वो ख़त्म हो गई है। सिर्फ और सिर्फ मीनार जो रह गए हैं वो अब आपके रेड हैं, और इसके अलावा एक गुंबद ऐसा है जो आपको अभी रेड कलर का नज़र आता है, जो इसका एक कॉर्नर के अंदर है वो सामने, ये आपका रेड कलर है, ये आपका वाइट कलर इसके ऊपर भी कर दिया गया। ओवरऑल पूरी जितनी भी इसके बरामदे हैं वो भी वाइट कर दिए गए हैं, और ये सिर्फ दो जो मीनार है वो आपके रेड हैं। लेकिन अगर आप इसकी पुरानी पिक्चर्स देखेंगे जो सामने इसके बरामदे में भी लगी हुई हैं, तो ये पूरी मस्जिद आपको रेड कलर की नज़र आती है। चित्राल का जो पूरा इलाका था ये सारा का सारा डिफरेंट डायनेस्टीज़ के अंदर रहा, और 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान में आकर ये पूरा का पूरा इलाका मेहताड़ फैमिली के अंडर रहा। और जब ब्रिटिश यहाँ पे आ गए तो अल्टीमेटली उन्होंने ब्रिटिश के साथ ये इंडो पाक जो ब्रिटिश का पूरा रीजन था ये उसका पार्ट बन गया, और अल्टीमेटली 1947 के अंदर इसको एक आज़ाद रियासत के ऊपर डिक्लेयर कर दिया गया और ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। और इंटरेस्टिंगली 1947 से लेकर 1969 तक चित्राल की जो रियासत थी वो टोटली अलहदा रही, और उसके बाद फिर 1969 में याह्या के दौर के अंदर जाकर चित्राल ने फाइनली पाकिस्तान के साथ इलहाक किया और ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया। मेरे पीछे जो आप अब नेक्स्ट बिल्डिंग देख रहे हैं ये है चित्राल का फेमस चित्राल फोर्ट, जो कि 1776 के अंदर बनाया गया, और फिर 1911 में जो शजाउल मुल्क ही यहाँ के राजा थे, हुक्मरान थे, उन्होंने इसको रेनोवेट करवाया। अगर आप इसकी दीवारें देखेंगे क्लोज से तो गाढ़े से लकड़ी से और पत्थरों के साथ मिलकर इसको बनाया गया, और बहुत ज़्यादा इसकी अगर मैं देखूँ तो खस्ता हालत दीवारें हैं। ये मेरे पीछे जो गेट है इसको फ़िलहाल इन्होंने बंद कर दिया गया, और कह रहे हैं कि शायद इसको अगर आप देखना हो तो इसको बैक साइड से जाके देख सकते हैं। तो आज ज़रा वॉक करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर से अगर देखें चित्राल वाकई इतना खूबसूरत लगता है, ये दरिया के किनारे के ऊपर फोर्ट बना हुआ और ये शाही मॉस्क, आई थिंक बहुत ही क्लासिकल तरीके से उन्होंने इस जगह को चूज़ किया था कि दरिया के किनारे के ऊपर यहाँ पे शाही बाग भी हो, शाही किला भी हो और साथ ही शाही मस्जिद भी हो। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और पूरा ये लकड़ी का बना हुआ है, हर तरफ इसकी सारी दीवारों के अंदर लकड़ी नज़र आ रही है मुझे। ये किले का बाहर से है, वैसे तो ये किसी अगर हम देखें तो हमारी जो ब्रिटिश पीरियड की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी उससे मिलता जुलता मुझे स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन बाहर की दीवारें काफ़ी उसकी किले नुमा थीं जो मिट्टी की बनी हुई थी। और बिल्कुल उसके आप साइड पर देखें ये दरिया बह रहा है, और दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर इन्होंने ये बनाया हुआ। अभी अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो इतना किला किला नहीं लग रहा, अंदर से देखते हैं कैसा है। बहरहाल ये इनकी कुछ तोपें वगैरह पड़ी हुई हैं उस ज़माने की। तो किले के अंदर मैं गया ज़रूर था, लेकिन वो सही कह रहे हैं कि ये बेसिकली उस तरह का किला नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं नॉर्मली। ये बेसिकली उनका जो मेहतर फैमिली है उनका ही घराना है, और जो आज शुजाउल मुल्क के आगे से उनके बेटे हैं जो अभी भी राजा हैं चित्राल के, वो बेसिकली यहाँ पर रहते हैं। तो ये उनका घर है, और ये बहुत ज़्यादा उस तरह ओपन टू पब्लिक नहीं है और ना ये उस लेवल का किला बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे थोड़े से मुझे तहखाने वगैरह एंटर होकर नज़र तो आए हैं, लेकिन अंदर से जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्कुल एक घरनुमा ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखते हैं तो लोकेशन वाइज ये वो बहुत प्यारी जगह है। ऑल राइट जी, तो शाही मस्जिद और शाही किले का छोटा सा विज़िट करने के बाद अभी क्योंकि हम चित्राल का फर्स्ट इम्प्रेशन ले रहे हैं, यहाँ का बाज़ार देख रहे हैं, यहाँ की जगह देख रहे हैं, तो इधर की सबसे मशहूर चीज़ है यहाँ का पोलो खेलना।
पोलो की जो गेम है वो चित्राल और गिलगित में बहुत ज़्यादा फेमस है, और मुझे अभी आफ्टर अराइवल ही पता चला है कि आजकल कोई पोलो के मैचेस चल रहे हैं यहाँ पर। और जब इधर से जो विनर हो जाता है अल्टीमेटली, फिर गिलगित का जो विनर होता है उनका फिर मैच होता है शंदूर पोलो ग्राउंड में, जो टॉप पे बिल्कुल बॉर्डर पे है चित्राल और गिलगित के। तो देखते हैं जी, चलते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि कैसी इनकी पोलो ग्राउंड है। मैंने आज तक नहीं देखा, कभी भी नहीं मैंने देखी हुई पोलो, कैसे खेलते हैं, कैसे उसकी ग्राउंड होती है, सिर्फ वीडियोज़ में देखा हुआ है। तो आज मैं वही अब देखने जा रहा हूँ, क्योंकि चित्राल आए हैं और चित्राल की पहचान देखनी है हमने। ये आपको चित्राल का बाज़ार नज़र आ रहा है, आते हुए भी मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी गहमा गहमी। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊं, ट्रैफिक वार्डन की इधर बहुत ज़्यादा ताइन आती है, और दूसरा सख्ती बढ़ी है। यानी मैंने ये चीज़ नोट किया है कि वन वे और जो रोड का इधर रूल्स हैं वो बहुत सख्त हैं। अंदर वाली गलियों वाले जो बाज़ार हैं उन पर बहुत सख्ती से वन वे जो है इम्प्लीमेंटेड है। हमारे जैसे लाहौर में आप देखते हैं बस ठीक है, वन वे कह दिया होता है लेकिन लोग जा रहे होते हैं उल्टा पुल्टा, लेकिन यहाँ पे मैंने लोगों को वाकई फॉलो करते देखा है सारे रूल्स को, जो कि बहुत अच्छी बात है और होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन हमारे अपने शहरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। ओके जी, ये है जी पोलो ग्राउंड, और मेरा ख़्याल है कुछ चल तो रहा है मैच, हमें दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। फिट लगते हैं ये सारे राइडर्स, शशका चेक करें, ज़बरदस्त ये सारे प्लेयर हैं भाई, गुड गेटअप है पूरा, काफ़ी रश है। ये सड़क पे भी बैठने के पवेलियन है, बैठने के लिए लोगों के लिए सीटें लगी हुई हैं, और अनाउंसमेंट चल रही है, और रश देखें कितना है, लोग बड़ा ज़बरदस्त पसंद करते हैं यार। अभी देखते हैं क्या सीन है, मैं चाहूँगा कि जब पोलो चल रही हो तो मैं ड्रोन श्रोन उड़ाऊँ, फिर ज़रा फिट सीन बनेगा। सलाम अलैकुम, ये अभी कब मैच शुरू होगा? 10 मिनट बाद शुरू होगा। ले जी आगे चलते हैं हम, वो स्टेज है यार, मैं चाह रहा हूँ मेरा सामान भी मुझे नज़र आता रहे ना। ले जी पोलो ग्राउंड के अंदर मैं पहुंच गया हूं, और सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पूरी जो पोलो की टीम है वो सेट हो रही है, और इनके घोड़े शोड़े सेट हो रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। एक ब्लू टीम है और एक मेरे ख्याल है ग्रीन टीम है, लोग सारे सेट हो गए हैं, और आलमोस्ट 10 मिनट में हमारा यहाँ पे अभी पोलो का मैच स्टार्ट हो जाएगा। पूरी जितनी भी चित्राल के काफ़ी लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग देखने आए हुए हैं। जी ट्रेडिशनल म्यूज़िक चलने लग गया, और दोनों पोलो की टीमें जो हैं वो ग्राउंड में आना स्टार्ट हो गई हैं। दोनों टीमें, इन्होंने बताया कि ये अपर चित्राल से इन दोनों टीमों का ताल्लुक है, और कितने खिलाड़ी हैं, ऑलमोस्ट 6-6 खिलाड़ी हैं दोनों तरफ के। बड़ा ज़बरदस्त गेटअप है, बड़ा आप देखें कि घोड़े को तैयार किया हुआ है, उसकी इन्होंने बड़े अच्छे गैजेट्स पहने हुए हैं, घुटनों के ऊपर भी हेलमेट्स इनके स्पेशल हैं, इनकी स्टिक्स हैं, लंबी सी स्टिक होती है और इसके नीचे जो है ना एक वो ये अब ज़रा रनिंग करवा रहे हैं। वाह, ले जी मुकाबला स्टार्ट हो गया, और इस तरफ आप देखें लाइव म्यूज़िक चल रहा है, ये ड्रम चल रहा है, और वाह बहुत टफ गेम है यार, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। 3-3, 4-4 घोड़े को लहदा चलाना है आपने, स्टिक को लहदा चलाना है, और कभी स्टिक को उल्टा मारना है, कभी स्टिक को सीधा मारना है, कभी दाएं हाथ से मारना है, कभी बाएं हाथ से, वेरी वेरी टफ। गोल, तो ये कितनी देर का होता है मैच? आधे घंटे का बस, तो अभी 15-20 मिनट तो हो गए हैं।
और जी तो चित्राल की पहचान जो थी असल चीज़ जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन था उसमें पोलो का आना बहुत ज़रूरी था। और मेरी आज लक थी कि इधर पोलो के मैचेस चल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त इधर माहौल है, बड़ा ही ज़बरदस्त म्यूज़िक, लोगों की गहमा गहमी और स्पेशली वो जो घोड़ों के भागते हुए घोड़े जाते हैं और कैसे वो टर्न लेते हैं, बीच में गिरते भी हैं, कमाल की एक्सपर्टीज चाहिए आपको इस गेम के लिए। और वाकई इसको देखने में मज़ा आया, बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। लेकिन क्योंकि मुझे अपने जाहिद भाई के साथ जाना है एक बड़ी ही खूबसूरत जगह के ऊपर जहाँ पे हमने शाम की अपनी एंडिंग करनी है, और मुझे उन्होंने बताया था कि हम वहाँ पर ज़रूर हमें हिरन नज़र आएँगे दरिया के पास जहाँ पर वो पानी पीने आते हैं। मारखोर भी आते हैं लेकिन वो शायद सर्दी में नहीं आते, सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में नहीं आते, लेकिन आई होप हमें शायद कोई हिरन देखने को मिले। तो मैच अभी चल रहा है, मैं चलता हूँ आपको चित्राल की एक और ही बिल्कुल के अंदर एक खूबसूरत जगह के ऊपर लेकर चलते हैं, आज मेरे साथ। ऑलराइट जी, तो शाम होने को है चित्राल के अंदर और चित्राल के बाज़ार से एक दफ़ा हम गुजरते हुए जा रहे हैं एक बड़ी ही खूबसूरत जगह के ऊपर जिसका नाम है शहर शाम। एक बड़ी ही पानी जहाँ पे गुजरा, बड़ी ही पिक्चर्स लेने वाली एक जगह है। और मेरे साथ जाहिद गुल और जाहिद गुल भाई जो है मुझे लेकर जा रहे हैं टूअर शहर शाम। और इन्होंने मुझे बताया कि यार आपके मतलब की जगह आपको वहाँ पे हो सकता है पानी के पास कुछ हिरन वगैरह भी थोड़े बहुत नज़र आ जाए और शायद जो है वो आपको मारखोर भी यहाँ पे नज़र आ जाए। तो वो नज़र आगे तो हमारी किस्मत होगी, लेकिन जो हम शाम है चित्राल की वो उसका अच्छा मंज़र कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। तो चलें जी मेरे साथ साथ चित्राल का हम देखते हैं शाम का मंज़र और साथ साथ चित्राल का बाज़ार। मुझे जो अगर मैं पर्सनल मेरे से आप पूछें यहाँ का जो टच है वो मुझे आपस की बात है बिल्कुल स्कर्दू वाली फीलिंग आ रही है। जैसे आप स्कर्दू के शहर के अंदर जाते हैं बिल्कुल वही फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है कि चारों तरफ आपको वही व्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो नाजरीन आप ज़रा अपने मैप पे ओरिएंटेशन भी अगर देख लें कि जिस जगह से अभी कट आया था जहाँ पर वो पुल था, वो पुल के अगर आप राइट साइड पर चले जाएँ तो हमारी जो ब्रोगिल वैली, बूनी और मस्तूज वाली जो वैलीज़ हैं और फिर शंदूर वाला इलाका जो है सारा जो आगे गिलगित को निकलता है वो शुरू हो जाता है, जो कि मैं यहाँ से जब चित्राल से एग्ज़िट करूँगा फिर उस तरफ जाऊँगा जिसको अपर चित्राल कहते हैं सारा का सारा। अभी हम लोअर चित्राल की तरफ हैं। तो चित्राल की इस रीजन को फ़िलहाल हम अपनी रोड के जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर हो गए हैं, इसको गर्म चश्मा रोड कहते हैं क्योंकि आगे गर्म चश्मा आता है बहुत फेमस, वो भी हम कवर करके आपको दिखाएंगे। ओके जी, इनके हम गाँव में से अब होते हुए जा रहे हैं और हमारे बिल्कुल साइड पे एयरपोर्ट का रनवे आ गया चित्राल का, बिल्कुल ओपन है ये साइड पे। वो देखिए वो सामने जो रोड नज़र आ रही है वो एयरपोर्ट का रनवे है और साथ ही इधर जो है लोगों के गंदम के फील्ड हैं, बड़ी लश ग्रीन उनकी रोड नज़र आ रही है मुझे वहाँ पर। ये सारा एयरपोर्ट का इनका रीजन है। तो जब जुनेद जमशेद का जब जहाज़ क्रैश हुआ था वो यहीं से उठ के गया था चित्राल से और फिर वहाँ पर हवेलियाँ के पास वो क्रैश कर गया था। हवा बहुत ही कमाल की चल रही है और ठंडक ठंडक बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और मेरा ख्याल है जहाँ पे हम शाम को पहुँचेंगे तो क्योंकि धूप अब आलमोस्ट ख़त्म हो गई है, ठंडी ठंडी धूप हो गई है, तो मज़ा आएगा हमें उस जगह पर पहुँचने के बाद। चित्राल यू ब्यूटी, क्या सरसब लहलहाते हुए खेत और दरख्त और ऊपर चट्टाने। वाह यार भाई, जगह पता नहीं कैसी होगी लेकिन रास्ता बहुत ज़बरदस्त है। वाह, ये कोई पुराने ज़माने का पुल बना हुआ है पैदल क्रॉसिंग का और नीचे ठाठे मारता हुआ पानी और साथ इस खूबसूरत रोड पे हम जा रहे हैं। ये देखें जी, ये बोर्ड आ गया है, मारखोर का बोर्ड लगा हुआ है कि ये इलाका यहाँ से अब मारखोर का शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अभी आइबेक्स भी मिलेंगे हमें जाहिद भाई, आइबेक्स भी होते हैं यहाँ पे, ऊपर चले गए हैं। ठीक है, तो मारखोर जो है वो ज़्यादा ठंडे इलाके में रहता है, वो ठंडे इलाके में रहते हैं, दिसंबर महीने में यहाँ आते हैं। मारखोर जो है वो दिसंबर में नीचे आ जाता है और जैसे जैसे बर्फ़ पड़ती है ये बर्फ़ के आसपास रहता है, तो दिसंबर और जनवरी में कहते हैं कि मारखोर जो है वो नीचे आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे गर्मी पड़ती जाती है और बर्फ़ ऊपर सिर्फ रह जाती है तो मारखोर भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन शाम को जब जैसे ठंड होती है, पानी छानी पीना होता है तो फिर ये कहते हैं कि नीचे आता है अक्सर। तो यहाँ पे देखें, ये तो डिस्कवर पाकिस्तान वाले हैं, गुड।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुकरम साहब? कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं। डिस्कवर पाकिस्तान की बन रही, चले ग्रेट, ठीक ठाक सर, ज़बरदस्त। चलें जी, लो जी, ये मुकरम साहब थे, डिस्कवर पाकिस्तान की भी वीडियो बन रही थी यहाँ पर। ऑल राइट, तो हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट अपने उस छोटे से व्यू पॉइंट के ऊपर। चारों तरफ से माउंटेन ने इसको घेरा हुआ है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं काफ़ी इधर आके एंजॉय करते हैं, और इधर कहते हैं कि मारखोर आता है यहाँ पे पानी पीने, तो इसलिए ये जगह बेसिकली फेमस है। तो ये जितने भी यहाँ पे माउंटेंस हैं, अब हमें नज़र तो नहीं आएगा, खैर पता नहीं कहाँ होगा, और उसकी वजह भी ये है कि बिल्कुल कैमोफ्लाज होता है वो, उसकी बॉडी का कलर भी ऐसा होता है कि इस पहाड़ों में अगर होगा भी तो नज़र नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से नज़र आता है। और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट, इन्होंने सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं नीचे बैठने के लिए। वाह, तो ये है जनाब जगह जहाँ से मारखोर आता है। और जी, तो हम लोग आगे थे इस जगह के ऊपर, बड़ी खूबसूरत शहर शाम, और यहाँ पे हमने अभी जो है वो चाय का ऑर्डर कर दिया, लेकिन उन्होंने हमें दिखाया कि आपको चलें वो मारखोर तो नज़र ना आए, लेकिन हिरन जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, और वो हमें नज़र आ गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे खड़ा है और हम दरिया के इस सामने बैठे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब सीन यही है कि हिरण का शिकार यहाँ पे वो कहते हैं कि इस जगह पे नहीं करते लोग, लेकिन जो मारखोर का शिकार है वो सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेनर्स हैं, जो बड़े शिकारी होते हैं और करोड़ों रुपया वो देते हैं एक मारखोर को शिकार करने का, वो भी जो जिसकी लाइफ लाइन जो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होती है, बड़ा ही बूढ़ा मारखोर होता है, उसकी पूरी की पूरी उसकी टैगिंग हुई होती है, फिर जाके उसकी इजाज़त दी जाती है। तो अल्टीमेटली जो है वो हमने कुछ ना कुछ देख लिया यहाँ पे, जो हमारा आने का मकसद था, एक ये कि एक ब्यूटीफुल स्पॉट, और दूसरा ये कि इस दरिया के किनारे पर बैठ के चाय पीना, और तीसरा कोई वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर देखना। तो यार ये खूबसूरत जगह है, काले स्याह बादल आए हुए हैं, आई होप कल मैंने डिफरेंट वैलीज़ को एक्सप्लोर करना है तो मुझे बारिश वगैरह नहीं मिलेगी, इसी तरह ही हल्की धूप और बादल हवा वगैरह मिलते रहे तो हमारी चित्राल की जो सीरीज़ है वो अच्छी बनती जाएगी। और जी, चाय भी आ गई है और फ्राइज़ भी आ गए हैं। एक तो जगह ये थी, लेकिन मुझे दिल कर रखे वो जो पत्थर पीछे बना हुआ था, हम उस पत्थर के पास जाके बैठ के खाते हैं। सामने ऊपर एक हिरन वहाँ पे नज़र आ रहा है, दो हिरन वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऑल राइट जी, सो दैट वाज एंड ऑफ टुडेज़ व्लॉग। बड़ा ही मज़ा आया, बड़ी ज़बरदस्त जगह मैंने देखी, आपको भी इसलिए दिखाई। और इस वक्त दरिया के किनारे के ऊपर चाय शाय पीने के बाद थोड़ा सा हम और आगे आए हैं पानी के पास, ये एक बड़ी खुली अच्छी जगह बनी हुई है और हवा भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, काले बादल आ चुके हैं, आप देख ही रहे हैं इस वक्त। मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इतना लंबा ना ट्रैवल कर सकते हैं ना खुद यहाँ पे आ सकते हैं, तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू इंसाफ करके आप लोगों को मुझे जगह दिखा सकूँ। तो ये तो हुआ आज का दिन हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इसके अलावा कुछ और जो वैलीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा वैलीज़ हैं यहाँ के ऊपर, तो चित्राल की जो मैं यहाँ पर कवर करूँगा आपकी आने वाली वीडियोज़ में, साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर बीगा ट्रैवल को फॉलो करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।